यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर अब बीजेपी का हाथ थाम लिया है, यानी बीजेपी ज्वाइन अब उन्होंने कर ली है। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर जितिन प्रसाद ने कहा कि उन्होंने बहुत मंथन के बाद बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर नेताओं में से एक जितिन प्रसाद का बीजेपी ज्वाइन करना प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव के लिहाज से अहम हो सकता है। हालांकि जितिन प्रसाद को यह बगावत विरासत में मिली है। दरअसल जितिन के पिता जितेंद्र प्रसाद भी साल 2000 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव में सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े थे। हालांकि वह हारे और कुछ ही समय बाद उनका निधन भी हो गया था। जितेंद्र प्रसाद ने सांसद रहते हुए सोनिया गांधी के लगातार पार्टी अध्यक्ष बनने का विरोध किया। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जितेंद्र प्रसाद बतौर कार्यकर्ता पार्टी में सोनिया गांधी से बहुत वरिष्ठ थे। हालांकि साल 2000 में जब पार्टी अध्यक्ष पद के लिए वह सोनिया गांधी के खिलाफ खड़े हुए तो उन्हें इसमें हार मिली थी। इसके चार साल बाद यानी 2004 में ही जितिन प्रसाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र शाजापुर से लोकसभा सांसद बने थे। इतना ही नहीं, साल 2008 में वह पीएम मनोहर सिंह की कैबिनेट में मंत्री बने थे। उस समय वह सबसे कम उम्र के मंत्री बने थे। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले जितिन प्रसाद कांग्रेस से दो बार सांसद रहे हैं। हालांकि वह दो साल पहले भी पार्टी छोड़ने वाले थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य होने के बाद भी जितिन पार्टी नेतृत्व से खुश नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त भी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए जितिन प्रसाद को सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उस समय राज बब्बर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई, जो नितिन को रास नहीं आया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि जितिन प्रसाद को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है, साथ ही उन्होंने पीयूष गोयल का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास, इसी को लेकर वह कार्य करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जितिन प्रसाद ने कहा कि काफी मंथन के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। बता दें कि कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है और बीजेपी का हाथ थाम लिया है। बीजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। जितिन प्रसाद का कांग्रेस का हाथ उन्होंने छोड़ दिया है और अब बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने अब कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी का भी आभार व्यक्त किया है। कौन है जितिन प्रसाद, दिखाते हैं आपको। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले हैं जितिन प्रसाद। आपको बता दें कि 2001 में युवा कांग्रेस में सचिव पद की उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। 2004 में शाजापुर लोकसभा सीट से वह चुनाव जीते थे। जितिन प्रसाद 2008 में केंद्रीय इस्पात मंत्री बने थे। 2009 में धौरहरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीते भी थे। वहीं आपको बता दें कि 2009-11 तक सड़क परिवहन मंत्री भी रहे हैं। 2011-12 में पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली है। साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी के वह करीबी माने जाने वाले थे। जितिन प्रसाद को राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। 2001 में युवा कांग्रेस में सचिव पद की जिम्मेदारी भी उन पर थी। 2004 में शाजापुर लोकसभा सीट से वह चुनाव जीते थे। जितिन प्रसाद 2008 में केंद्रीय इस्पात मंत्री भी थे। 2009 में धौरहरा लोकसभा सीट से वह चुनाव लड़े थे और इसमें उन्होंने जीत भी हासिल की थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जुड़ चुके हैं। अनिला सिंह जी, जानना चाहेंगे अब जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है और इसको किस नजरिए से आप देखते हैं, यह कांग्रेस के लिए वाकई में एक बड़ा झटका है।
कांग्रेस को झटका है या नहीं है ये तो खुद तय करेंगे। मैं एक चीज जानती हूँ, एक बड़ा चेहरा है जितेंद्र प्रसाद जी, अब वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो गए हैं। कोई भी बड़ा चेहरा किसी भी राजनीतिक दल में आता है तो उस राजनीतिक दल की शक्ति बढ़ती है, और जहाँ से छोड़कर आता है तो एक खालीपन, एक वैक्यूम तो वहाँ आता ही है। शीला सिंह जी, जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर अब बीजेपी का दामन थाम लिया है, वहीं अब कई बीजेपी नेता तो उन्हें अपनाएंगे, लेकिन इस बीच उन्हें कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है, कई चुनौतियां भी उनके सामने हो सकती हैं। परिवार में शामिल हो गए हैं, अब जो चुनौतियां भी कोई भी किसी भी प्रकार की होंगी वो सब मिलजुल कर उसका सामना कर लिया जाता है। अनिल सिंह जी, कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन जितिन प्रसाद ने थाम लिया है, वहीं अगर बात करें कार्य को लेकर, कांग्रेस का कार्य और बीजेपी पार्टी का कार्य, इस बीच उन्होंने पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी लगातार जनता की सेवा करने में कार्यरत हैं, लगातार बीजेपी पार्टी जनता की सेवा करने में जुटी हुई है। बनी रही बता दें कि जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर अब बीजेपी का हाथ थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। इस बीच उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लगातार जनता की सेवा करने में जुटे हुए हैं, बीजेपी पार्टी लगातार जनता की सेवा कर रही है। वहीं उन्होंने इस दौरान यह भी बताया कि काफी मंथन करने के बाद उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा है, काफी मंथन उन्होंने किया है बीजेपी ज्वाइन करने से पहले, और काफी सोच समझकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। आपको बता दें कि 2012-14 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में भी जितिन प्रसाद रहे हैं और राहुल गांधी के काफी करीबी जितिन प्रसाद माने जाते थे। 2001 में युवा कांग्रेस में सचिव पद की जिम्मेदारी भी उन पर रही है। 2004 में शाहजहांपुर लोकसभा सीट से भी वह जीते हैं जितिन प्रसाद। 2008 में केंद्रीय इस्पात मंत्री भी रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि 2009 में धौरहरा लोकसभा सीट पर भी उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2009-11 तक सड़क परिवहन मंत्री भी वह रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस का हाथ छोड़कर अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है जितिन प्रसाद ने। इस दौरान उन्होंने कहा है कि काफी मंथन के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, और इस दौरान उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी का उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास, इसी को लेकर वह कार्य करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। जितिन प्रसाद 2008 में केंद्रीय इस्पात मंत्री भी बने थे। साथ ही आपको बता दें कि 2009 में धौरहरा लोकसभा सीट पर वह चुनाव लड़े थे और इस दौरान उन्होंने जीत भी हासिल की थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते थे जितिन प्रसाद 2011-12 में। आपको बता दें कि 2012-14 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में भी वह रहे हैं।